मैया के गर्भ से बाहर आई थी 12 साल के बाद। क्यों? क्योंकि जब भगवान भोले बाबा मैया पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तो जब भी कोई कहानी आपको सुनाए, जैसे हम आपको भागवत सुना रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं आप, और जब तक भागवत सुनने में आपके एक दो बार सिर न हिले, और जब तक थोड़ा कोई आपकी तरफ से इशारा न आए, जैसे हम कथा सुना रहे हैं तो आपका सिर तो हिलना ही चाहिए कभी कभी, जो पता चले कि हाँ ध्यान से कथा सुनी जा रही है, कोई तो सो गए, कोई बात कर रहे। जब भी बुजुर्ग कहानी सुनाते थे तो जो बच्चा होता था ना, जैसे कहानी सुन रहा है तो बोलता, हाँ बाबा फिर क्या हुआ, हाँ बाबा फिर क्या हुआ, हूँ हूँ की आवाज लगती रहे, तो पता चलता है कि आदमी अभी जग रहा है या सुन रहा है मेरी बात को। तो सुखदेव भगवान वो भोले बाबा मैया पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। पार्वती से बोले, देखो हूं हूं की आवाज देती रहे ना, पता चले तुम सो जाओ, हम बोलते रहे। पार्वती हूं हूं की आवाज देने लगी, और जब कथा सुनाई जाती है तो नींद बहुत आती है। आप ध्यान से कथा सुनोगे तो एक दो बार नींद तो जरूर कस के आएगी, क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नी निंद्रा देवी बहुत सताती है। तो पार्वती को नींद आ गई, सो गई। लेकिन एक सुख एक तोता वृक्ष पर बैठा हूं हूं की आवाज देने लगा। पूरी कथा भगवान ने सुना डाली। पूरी जब कथा हो गई, ध्यान गया, सोचा मैया तो सो रही है, पार्वती सो गई, लेकिन ये हूं हूं की आवाज कौन दे रहा। ऊपर निगाह गई है, महाराज क्रोध में आ गए, त्रिशूल को छोड़ा पीछे पीछे भागे। व्यास की पत्नी छत पर खड़ी जमाई ले रही थी, वो तोता हवा के रूप में उनके पेट में प्रवेश कर गया। अब ढूंढते रहो, कहां ढूंढोगे। बोले बाबा व्यास जी से बोले, हे व्यास ले आ महाराज। बोले तुम्हारे घर में हमारे यहाँ का चोर आया है, हमारे घर से चोरी करेंगे। ब्यास जी बोले, ऐसा होगा तुम्हारे घर में धरो से चोर चोरी करेंगे लगे, तुम इतने बड़े धनवान हो ना हो हैं। बोले बाबा, बोले क्या बोल रहे। बोले मैं ये बोल रहा हूँ कि महाराज आप तीनों लोगों के नाथ हो, आपके घर में कौन चोरी भला करेगा। बोले तोता आया है। ब्यास जी बोले, वो तोता तो था महाराज, लेकिन अब उसने अमर कथा सुन ली, अब वो अमर हो गया, इसलिए अब आप उसे नहीं मार सकते। यहां तक सुखदेव भगवान के 5 वर्ष तक जो त्रिशूल है भगवान का, वो खड़ा रहा, तब भी बाहर नहीं आए। 12 साल के बाद बाहर आए और सीधा बन के लिए चले गए। एक भी बार पीछे मुड़ के नहीं देखा। ब्यास जी पीछे पीछे दौड़े, अरे पुत्र लौट, पुत्र मैं मर जाऊंगा बेटा, लौटिए बेटा। तो महाराज जब ब्यास जी रोते हुए जा रहे, तो पशु पक्षी जीव जंतु कहने लगे, महाराज पता नहीं है कितनी बार आपका बेटा हुआ, आप कितनी बार इसके पिता हुए, आप ऐसे रो रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। तो महाराज जाएगी, अपने 2 शिष्य भेजे हैं ब्यास जी ने, जिन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया। सुखदेव भगवान के कानों में वो मंत्र पहुंचे, ब्यास जी के पास गए, 4 श्लोकों से ही भागवत की रचना हुई, और वही भागवत सुखदेव भगवान ने प्राप्त किया है, जो भागवत का ज्ञान उसी को सुनाने के लिए पहुंचे हैं परीक्षित के यहां पर।
परीक्षित गद्दी से नीचे उतरे, स्वयं व्यासी नीचे हैं, प्रणाम करते हैं बेटे को। और जब प्रणाम किया, उचित आसन पर बिठा लिया, शरण धोकर के शरणामित लिया। बड़े प्रसन्न हे सुखदेव, व्यास जी बोले, बेटा बड़ा आभार है जो आप यहां तक आए। परीक्षित से बोले, सुखदेव भगवान आप प्रश्न करो, मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। आइए, दो बार भगवान का नाम, उसके बाद में बड़ी पावन चर्चा आ रही है, सती चरित्र।